4:34 by the studio clock. रेडियो मानवरचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और वे शो चल रहा है डेली डोज। जब मैं करती हूँ आपसे ढेर सारी बातें और इस वक्त मेरे साथ जो है गुफ्तगू करने के लिए बैठे हुए हैं पार्थ चक्रवर्ती और इनकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन के हमने दो नमूने देखे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन थे। लेकिन पार्थ जानना चाहूंगी, क्या आप रेट्रो गाने भी गाते हैं या सिर्फ अपने ही बनाए हुए गाने गाते हैं? नहीं, रेट्रो गाने मैं काफी पसंद करता हूँ, जैसे किशोर कुमार है, उनके सन है अमित कुमार, रफी जी है, काफी सी गाने हैं, गिटार्स पे काफी अच्छे से फिट होते हैं। तो चलिए, आपके हाथ में गिटार भी है और आपके गले में बहुत खूबसूरत आवाज भी है, तो क्यों ना हम अच्छा सा गाना सुने, रेट्रो गाना। रोज रोज आंखों तले, रोज रोज आंखों तले, ला 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 रोज रोज आंखों तले एक ही सपना पले, रात भर का जल जले आंखों में जिस तरह अब का दिया जले, रोज रोज आंखों तले से तुम्हारी नाम की मिसरी होठ लगा ली है, मीठा सागन और कुछ मीठी सी तन्हाई है। जब से तुम्हारी नाम की मिसरी होठ लगा ली है, मीठा सावन और कुछ मीठी सी तन्हाई है। रोज रोज आंखों तले, रोज रोज आंखों तले, ला 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 सपना पले, रात भर का जल चले आँख में जिस तरह अब का दिया जले। बहुत ही खूबसूरत गाना और ऊपर से इतनी खूबसूरत सी आवाज, अब बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब मुझे ये बताइए पार्थ कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे परफॉर्मेंसेस की और साथ ही हमने बात करी शोज की, तो कहाँ कहाँ आप परफॉर्मेंस देते हैं और किस तरह के शोज आप कंडक्ट करते हैं? काफी जगह किए हैं, बट जो नोटेबल परफॉर्मेंसेस थी, जो वेन्यूज थे, जैसे की है हमने सूरज कुंड में किया है एंड अलग अलग कॉलेजेस में किया है, लाइक लिंग्यास एंड एशलॉन, फिर एक्मे है, एमवीएन है, इस तरह से, एंड AITM में कई सारे कॉलेज हैं, कई सारे कॉलेजेस में जाके आप पार्टिसिपेट करते हैं और शोज करते हैं, परफॉर्मेंसेस देते हैं एंड नॉर्मली चलते हैं। 16 सेक्टर है, फिर दुर्गा पूजा में होता है NH4 में, सर्वजनीन दुर्गा पूजा वहाँ पे करते हैं, तो काफी ज्यादा होता रहता है। अब मुझे ये बताइए बात की आपने इतना खूबसूरत सा गाना सुनाया है, पुराना गाना, लेकिन पुराने गाने से लगाव आपका कितना ज्यादा है? काफी ज्यादा है, मीन्स अगर इंडिया में म्यूजिक है तो वो पुराने गानों में ही है, एंड आज के नए म्यूजिशियंस कुछ ही हैं जो मीन्स अच्छे गाने बनाते हैं, क्योंकि आप समझते होंगे इनके लिरिक्स पुराने गानों के कितना डीप मीनिंग होता है इनमें, एंड एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं, अच्छी सोच रखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पुराने गानों के कहीं ना कहीं हम कहें तो वो कुछ मीनिंग होता था, मीनिंग होता था जी। अगर आराम से बैठकर लिरिक्स को हम अगर पढ़े या सुने तो आई थिंक काफी डीप मीनिंग निकलता है सबका। अच्छी लाइफ जीने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए, आज के नहीं कि दारू पी के गाओ दारू पी के गाओ जी। आई थिंक आजकल के मोस्टली गाने जो है वो दारू पे, सिट्टे पे या फिर डोप शोप पे, इन सब पे बने होते हैं। आई डोंट लाइक एंड यू डोंट लाइक। चलिए जी, पुराने गानों से इतना लगाव है तो पुराना गाना एक और जरूर सुनेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। और अगला गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ ये है तो पुराना गाना, लेकिन इसे नए अंदाज से गाया गया है, तो इस गाने का मजा उठाते हैं और
सुनते हैं रेडियो मधुमाला 107.8 के साथ पार्थ के साथ और भी बहुत सारे गाने, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइफ।